अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी। कैसे सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे सिंपल सादा सादा स्टाइलिश से घर पर सिले हुए छोटी बच्चियों के ड्रेस डिजाइनिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ। इन सारे ड्रेसेस की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये मैंने काफ्तान शर्ट बनाई है और साथ में जो है मैंने ट्यूलिप बनाया है इसके। ये मैंने इलास्टिक लगाई है और ऊपर एक बटरफ्लाई लगा दी है और इसके ऊपर जो है मैंने ब्लैक कलर का बटन लगा दिया है कंट्रास्ट में ही साथ, और साइडों पे मैंने इस तरह से लेस लगाई है। ये छोटे छोटे से चॉक्स हैं और यहाँ पर मैंने स्लीव्स सिलाई लगाई है स्लीव्स की भी, और नीचे से मैंने लेस नहीं लगाई है, सिर्फ बारीक सा फोल्ड किया है। तो ये मैंने ऑर्डर पे तैयार किया है, उन्होंने मुझे डिज़ाइन सेंड किया था और फैब्रिक का प्रिंट भी सेंड कर दिया था, तो मैंने फिर ये स्टिच करके अब उन्हें भेजा है। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस छोटी बच्चियों को पहनाए गए। अगर आप भी ऑर्डर पे जो हैं तैयार करवाना चाहते हैं इस तरह के ड्रेसेस, तो इंस्टा का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर मुझे DM कर सकते हैं। ये जी हमारा ड्रेस नंबर 2 है, ये भी बहुत ही सिंपल है पर बहुत प्यारा लगता है, स्टाइलिश लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस नन्ही मुन्नी परियों को पहनाए गए। यहाँ पर मैंने गले में इलास्टिक लगाई है इसकी और स्लीव्स हैं इसके कुछ इस तरह से, फिर स्टाइलिश से हो जाते हैं इलास्टिक लगाने की वजह से। बहुत ही सिंपल है, नीचे से इसे मैंने थोड़ी सी गुलाई की शेप दी है और इस तरह के साथ में इस मैंने ट्राउज़र बनाए, इनके बारीक सा फोल्ड करके नीचे से इलास्टिक लगा दी है। बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह के ट्राउज़र पहनाए गए नन्ही परियों को, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इन सब ड्रेसेस में से आपको कौन सा ड्रेस जो है ज़्यादा पसंद आया है प्लीज़ कमेंट में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें, और अगर आप कोई और डिज़ाइन सीखना चाहती हैं तो भी मुझे कमेंट में बताया करें या फिर इंस्टा पर DM कर दिया करें, मैं आपको सेम वही डिज़ाइन बनाना भी सिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने एक मोटिव लगाया है और वाइट कलर की बारीक सी लेस लगा दी है। ये मैंने फ्रंट से जो है शॉर्ट रखा है और बैक से ये फुल लेंथ में है। बैक साइड पे मैंने बारीक सी एक लेस लगाई और ये हुक्स मैं लाजमी लगाती हूँ, बच्चियाँ बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं, गले ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से गले बना के बैक साइड पर इस तरह पर हुक्स डोरी लूप्स या बटन कुछ भी आप लगा सकती हैं। इसके साथ भी मैंने इस तरह से पजामा बनाया है और नीचे मैंने जो है बारीक इलास्टिक लगा दी है पजामे के, तो ये जब पहनाएंगे बहुत सेम प्रिंट, आजकल के फैशन में इतने ज़्यादा इन है तो ये छोटी सी बच्ची के भी जो हैं किसी ने बनवाए हैं सेम प्रिंट ही बनाए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये मैंने बेल्ट स्टाइल फ्रॉक बनाई है, ये मैंने बेल्ट बनाया है और ये मैंने आपको बनाना भी सिखाया है। आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा, आपको इन सारे ड्रेसेस की वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। स्लीव फुल स्लीव बनाए हैं, ये विंटर के हिसाब से मैंने ड्रेसेस बनाए हैं, ये लीलन के सारे ड्रेसेस हैं, आप चाहे तो किसी भी फैब्रिक के ऊपर बनवा सकती हैं, कोई भी डिज़ाइन बनवा सकती हैं, अपनी मर्ज़ी की पिक्चर सेंड कर सकती हैं मुझे इंस्टा पर, और साथ में बच्ची का साइज भी दे सकती हैं और फैब्रिक की भी पिक्चर्स मैंने लगाई होती हैं, आप वहाँ से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से प्रिंट भी पसंद कर सकती हैं और ऑर्डर कर सकती हैं, अपने लिए भी कर सकती हैं क्योंकि मैं बड़े और छोटे दोनों ही ड्रेसेस स्टिच करती हूँ। तो इसके साथ मैंने बिल्कुल ही सिंपल पजामा बनाया है, कोई इलास्टिक नहीं डाली है, नीचे बिल्कुल सीधा है। तो यहाँ पे ये एक और ड्रेस है, इसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। ये 3 पट्टियाँ मैंने लगाई हैं और साथ में मैंने इस तरह से जिगजैग डोरी जो होती है गोटा लेस जिगजैग वाली वो अटैच की है, इसके ऊपर मैं बटन या कुछ भी बटरफ्लाई छोटी छोटी सी बना के लगा सकती हूँ। वैसे तो ये वैसे भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये चुनर्स वाले मैंने ऊपर से भी बनाए हैं स्लीव इसके, और नीचे से भी जो है मैंने चुनर्स डाल के ऊपर बारीक सी लेस लगा दी है, बैक साइड पर मैंने इसके भी हुक्स लगाई हैं। तो बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस नन्ही मुन्नी परियों को पहनाए गए, आप मुख्तलिफ़ किस्म से कट पीसेस के को जॉइंट करके बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आजकल तो फ़िलहाल सेम प्रिंट बहुत इन है आजकल के फैशन में। तो यहाँ पे मैंने ये डॉट्स प्रिंट लिया था, रेड कलर की फ़्रॉक ही बनाई है ये भी किसी ने, और ये मैंने जो है
स्लीव्स के ऊपर स्लीवलेस बनाया है, स्लीव्स के ऊपर लेस लगाई है बारीक वाली, और डबल मैंने इसके ऊपर बटरफ्लाईज लगाई हैं बना के, पहले वाइट लगाई है फिर इसके ऊपर रेड, और फिर छोटी सी पट्टी जो है मैंने वाइट की डाल दी है, और बैक साइड पर मैंने ये इस तरह की डोरियाँ बना कर लगाई हैं ताकि फिटिंग जो है आसानी से हो जाए। जितनी लूज़ करनी हो आपने आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बच्ची की कर सकती हैं। अब इसकी जगह इलास्टिक भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पे एक और ड्रेस आ गया है जी, ये मैंने कट पीसी से बनाया है, कलियाँ पड़ी हुई थी मेरे पास, इस तरह से मैंने पट्टी लगा दी है और पलटावा लगा दिया स्लीव पे, स्लीव लेस है ये भी। इस तरह से तीन कलियाँ जो हैं प्रिंटेड की हैं फ्रंट और बैक पे, और दो जो हैं प्लेन की हैं। तो आपके पास कट पीसेस बच जाते तो उन्हें ज़ाया मत किया करें, इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं छोटी बच्चियों की। ये तकरीबन 10 साल तक की बच्ची का है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये मैंने कट पीसेस से ही बनाया है, बहुत ही स्टाइलिश लगता है ये पहनाया हुआ कुर्ता स्टाइल है। तो ये सारे ड्रेसेस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, इन सब की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आया है प्लीज़ कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो का लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।